अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं सब्र के ताल्लुक से चंद कलिमात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सब्र अल्लाह तबारक व तआला की तमाम इबादात को करके करना है, और उन चीज़ों से जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक दिया है उस पर भी सब्र करना है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे हक में या हमारे लिए मुनासिब नहीं लगता उसको मुकद्दर कर दिया है, उस पर भी हमें सब्र करना है। मेरे भाइयों, हम और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह का बनाया है कि हम इस दुनिया में कभी तकालीफ का, कभी जुल्म ज्यादती का, कभी साजिशों का मुकाबला करते हैं, साजिशों का सामना करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में कहा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। और दूसरी आयत में क्या फरमाया, वबशिरिस साबिरीन, और बशारत है, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। ऐसे ही एक जगह और फरमाया है, फसब्रन जमील, के खूबसूरत और अच्छा सब्र करो। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, फरमाते हैं कि सब्र जमील वो है जिसमें किसी भी किस्म का शिकवा ना हो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, किसी भी किस्म का शिकवा नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ हमारे हक में मुकद्दर कर दिया है उस पर हमें सब्र करना चाहिए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।